हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे आइसो प्रोटॉनिक आइसो न्यूट्रॉनिक। आज पढ़ेंगे हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार यानी कि जो डाल्टन सबसे पहले परमाणु के ऊपर जो सिद्धांत प्रस्तुत किए सबसे पहले डाल्टन ने ही दिया था। तो इन्होंने बताया कि परमाणु ऐसा सूक्ष्म कण होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। तो सबसे पहले इन्होंने परमाणु के बारे में अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है, यानी कि मतलब कि उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो परमाणु जब सबसे छोटा कण होता है इसलिए उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जो आधुनिक सिद्धांत है उसमें परमाणु को विभाजित किया जा सकता है मुख्य रूप से तीन भागों में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डाल्टन के अनुसार अभी पढ़ना है, तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार यानी कि जो परमाणु होता है वह क्या होता है, अविभाज्य होता है। तो यहाँ हो जाएगा इनके नियमानुसार, इनके सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य कण होता है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, तो परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। और इसमें है दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो अगर कोई एक तत्व है उसमें जितने भी परमाणु होंगे वह आकार और गुणों में क्या होंगे, समान होंगे। और भिन्न भिन्न तत्व जो होंगे वह उनके जो परमाणु होंगे वह क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जो डाल्टन अपना सिद्धांत दिए थे उस सिद्धांत को लगभग आधुनिक, जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या है, सब गलत किया है, एकाग को छोड़कर बाकी सभी को गलत कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो परमाणु अविभाज्य होता है यह किसके अनुसार है, डाल्टन के अनुसार, लेकिन आधुनिक सिद्धांत के अनुसार है परमाणु को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन अब डाल्टन परमाणु सिद्धांत को दिए हैं तो उनके बारे में पढ़ना भी है। और दूसरा है कि एक तत्व के, एक ही तत्व के सभी परमाणु, आकार एवं गुणों में, समान होते हैं, आकार एवं गुणों में समान होते हैं।
होते हैं किंतु भिन्न 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 तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं तो एक ही तत्व जो होता है, एक ही तत्व के जो सभी परमाणु होते हैं वह आकार एवं गुणों में समान होते हैं। किनके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भार रहेगा, परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए अब जितने भी तत्व हैं उन तत्वों की खोज हुई थी, यानी कि सबसे पहले जब मूल आवर्त सारणी बनाई गई तो उस समय 58 से 60 तत्वों की खोज हुई थी। तो उसमें यह था कि जो समस्थानिक और संभारी होते हैं उनकी खोज उस समय नहीं हुई थी, तो केवल एक ही तत्व एक ही तरह के तत्व थे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इन सभी तत्वों में इनके समस्थानिक उस समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी। तो इनका मानना था कि एक ही जो तत्व होता है वह चाहे जहाँ लिखा जाए उसका परमाणु उसका आकार और गुण भी क्या होगा? समान होगा, वह बदलेगा नहीं। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को चाहे जिस तत्व के साथ लिख दिया जाए तो उसका जो परमाणु भार होगा वह आकार होगा और उसका जो गुण होगा वह क्या होगा? सब समान होगा। लेकिन बाद में क्या हो गया, समस्थानिकों की खोज हो गई, संभारकों की खोज हो गई, तो उसमें क्या होते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न भी हो जाते हैं और गुण भी भिन्न भिन्न होता है। अब जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H1, 1H2 और 1H3। तो इन तो अब यहाँ पे जो देख रहे हैं परमाणु भार क्या होता है? भिन्न 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 होता है। इसलिए आधुनिक सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन जो डाल्टन अपना मूल डाल्टन जो परमाणु सिद्धांत दिए हैं उनके अनुसार कि जो एक ही तत्व होगा उसका सभी परमाणु आकार और गुणों में क्या होंगे? समान होंगे। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते, वह हमेशा क्या होगा? भिन्न भिन्न ही होगा। या किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। लेकिन जब संभारी की खोज हो गई तो अलग अलग तत्वों के परमाणु भार जो होंगे वह क्या होंगे? समान होंगे। तो इस तरह से डाल्टन के नियमों का खंडन भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सिद्धांत दिए हैं उनको उसको क्या करना है? पढ़ना ही है। तो अगला पॉइंट हो जाएगा परमाणु क्या होता है? अविनाशी होता है। परमाणु अविनाशी होता है। अविनाशी का मतलब जिसका विनाश नहीं होता है। परमाणु क्या होता है? अविनाशी होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं
किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, नष्ट नष्ट किए जा सकते हैं। यानी कि इनका मानना था कि जो परमाणु होते हैं उसको यानी कि न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, अर्थात यह परमाणु जो होते हैं वह क्या होते हैं, अविनाशी होते हैं, अर्थात परमाणुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में जो आधुनिक सिद्धांत है, बाद में परमाणुओं को एक परमाणु को नष्ट करके दूसरे परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि इस समय 118 तत्वों की खोज हुई है जिसमें कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 92 तक के तत्व क्या होंगे, प्राकृतिक तत्व होते हैं, लेकिन 92 के बाद जो 93 से 118 121 तत्व होते हैं वह मानव निर्मित होते हैं, क्योंकि इन प्राकृतिक तत्वों और मानव निर्मित तत्वों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो परमाणु नष्ट होकर दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे इनका यह भी नियम गलत साबित होता है, लेकिन पढ़ना यह। तो अगला पॉइंट है तत्वों के, तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं, संयुक्त परमाणु बनाते हैं। तत्वों के जितने भी परमाणु होते हैं वह आपस में जब संयोग करते हैं तो वह क्या बनाते हैं, संयुक्त परमाणु बनाते हैं, संयुक्त परमाणु। लेकिन परमाणु जो होता है, जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है, वह उसके अनुसार परमाणु जो जब संयुक्त होते हैं तो वह अणु बनाते हैं, ना कि संयुक्त परमाणु बनाते हैं। तो इनका यह भी नियम क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इस तरह से जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है बताया गया। अब इसके बाद पढ़ाएंगे वह आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत में बताएंगे कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वह कहाँ कहाँ गलत हो गया है, तो वह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है आप लोगों के सिलेबस से वह आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।